नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। पहला क्वेश्चन है, 13 मार्च 2018 को किस बैंक ने त्वरित ओवरड्राफ्ट सुविधा इंस्टा ओडी शुरू की है? तो ऑप्शन बी ICICI। 20 फरवरी को कौन से दो राज्य अपना राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं? तो ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। संतोष ट्रॉफी 2018 किस राज्य ने जीती? तो ऑप्शन सी केरल राज्य ने। अगला है, रेगुर किसका नाम है? तो ऑप्शन सी काली मिट्टी का नाम रेगुर होता है। भारतीय मृदा में सामान्यतः किस तत्व का अभाव पाया जाता है? तो ऑप्शन डी नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो ऑप्शन ए नील हरित शैवाल। क्वेश्चन बनता है, धान की सफ़ेद वाली रोग किसके द्वारा होती है? तो ऑप्शन ए तना छेदक द्वारा। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में एक विस्तृत मिल्क प्लांट स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन बी जींद। भारत में देसी गायों के संरक्षण के लिए कौन सा मिशन लागू किया गया? तो ऑप्शन बी राष्ट्रीय गोकुल मिशन। चित्रबोधनी नामक टीका किसने लिखी? तो ऑप्शन ए पंडित हरिपुण्य। हरियाणा राज्य का देशांतरीय विस्तार है? तो ऑप्शन बी 74° 28' पूर्वी देशांतर से 77° 36' पूर्वी देशांतर के मध्य। हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में 12 खड़ी की लिखाई का सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है? तो ऑप्शन ए धुन से प्राप्त अभिलेख। पानीपत का प्रमुख खनिज क्या है? तो ऑप्शन डी गंधक। निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में स्थित है? तो ऑप्शन डी ये सभी, मतलब खलीलपुर झील, दमदमा झील और कोटला झील। जनगणना 2018 के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की साक्षरता दर क्या है? तो ऑप्शन सी 71.42%। अगला क्वेश्चन बनता है, निम्न में से किसने प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सेना में हरियाणा से सैनिक भर्ती का विरोध किया था? तो ऑप्शन ए नेकीराम शर्मा। निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य लंबी सीमा बनाती है? तो ऑप्शन ए यमुना नदी। निम्न में से किसने गुड़गांव से 1857 की क्रांति के समय नेतृत्व नहीं किया? तो ऑप्शन डी मोहन सिंह। पीएच स्केल का परिसर है? तो ऑप्शन सी 0 से 14। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11। गांधी जी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? तो ऑप्शन सी चंपारण। घड़ी के स्प्रिंग में संचित ऊर्जा है? तो ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा। भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल हैं? तो ऑप्शन सी 7। बहमनी राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ऑप्शन बी अलाउद्दीन हसन गंगू। बायोगैस किस क्रियाविधि द्वारा उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन सी किडवन। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? तो ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? तो ऑप्शन ए हथकरघा के विकास से।
भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 15, मिनी माता रोग किस धातु द्वारा प्रदूषित पानी से फैलता है? तो ऑप्शन डी पारा, मतलब HG या कह सकते हैं मरकरी। चंद्रकांता संतति के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए देविकी नंदन खत्री। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ऑप्शन ए सांडो की लड़ाई। प्रथम जैन धर्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन डी पाटलिपुत्र में। ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ऑप्शन ए विटामिन बी का। काली मिर्च का पौधा क्या है? तो ऑप्शन सी बेल। नीति आयोग का विस्तृत रूप क्या है? तो ऑप्शन ए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कोलकाता और दिल्ली किस राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जुड़े हुए हैं? तो ऑप्शन बी NH2। सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन डी कोरोना। सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम विजेता हैं? तो मेजर सोमनाथ शर्मा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 22 मार्च। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो सैन फ्रांसिस्को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो ऑप्शन सी सर वीएन राव। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट परीक्षण कहाँ किया था, कब किया था? तो ऑप्शन डी वर्ष 1974 में। कौन सा विटामिन घाव को शीघ्र भरने में सहायक होता है? तो ऑप्शन सी विटामिन सी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी गलत है, बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल, और पूर्वोत्तम बिंदु है किवितु। टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह से संबंधित है? तो ऑप्शन ए शनि ग्रह। मेघाच्छादित रातों की अपेक्षा साफ रातें किस कारण ठंडी होती हैं? तो विकिरण रेडिएशन। बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल। शेरशाह सूरी ने चांदी के सिक्के प्रारंभ किए जिसका नाम था? ऑप्शन डी रुपया। निकट दृष्टि दोष के उपचार में प्रयुक्त होता है अवतल लेंस। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन सी थी? तो ऑप्शन डी आशा पूर्णा देवी। क्या है भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई? तो USSR। भारत का सबसे लंबा यात्री रेलमार्ग किन दो नगरों को जोड़ता है? तो ऑप्शन ए डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी को। निम्न में से कौन ब्रिक का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन ए क्यूबा। अल्लाह रखा निम्नलिखित बाघ यंत्रों में से किसके वादन के लिए प्रख्यात थे? तो ऑप्शन बी तबला। IRDA संबंधित है? तो ऑप्शन बी भारत में बीमा क्षेत्र से। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित न्यायिक पुनर्विलोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की शक्ति किस संविधान से ली गई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए USA संविधान। परोपकार की मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन बी मदर टेरेसा। क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑप्शन सी जगरेब या जागरेब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य से पृथककरण द्वारा अथवा दो या दो से अधिक राज्यों या उनके भागों के एकीकरण द्वारा एक नए राज्य के सृजन से संबंध रखता है? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 3। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अपना मार्ग गांधी जी से अलग किया? तो त्रिपुरी। क्वेश्चन है, द्वि आधारी संख्याएं होती हैं? तो ऑप्शन बी 0 और 1।
निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो ऑप्शन डी असेंबलर। किसी फाइल को रीनेम करने के लिए कौन सी की दबाते हैं? तो F2। पिक्चर्स या ऑडियो वीडियो फाइल्स ईमेल के साथ किस विकल्प के द्वारा भेजी जा सकती है? तो ऑप्शन बी अटैचमेंट्स। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, तो निम्नलिखित में से क्या सही है? तो ऑप्शन डी 1 और 3। पहला है गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है, तुलनाएं करता है। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, तो ऑप्शन ए ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर में होते रहते हैं, तो ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? तो ऑप्शन बी नंबर और अल्फाबेटिकल करेक्टर। कंपेयर है तो क्या है? ऑप्शन ए ALU का अरिथमेटिक कार्य। डाटाबेस में खालिस्तान फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं, तो न्यूमेरिक। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन डी धनिक। नैसर्गिक का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन सी प्राकृतिक। और आज का लास्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? तो ऑप्शन डी अनुदार। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।